के क्या प्रॉब्लम है? हम गंदगी के सामने रहते हैं, लेटिन तक की लोग पन्नियों में पैक कर करके कूड़े के सामने। अभी तो एक महीना हो गया गाड़ी नहीं आई, सबका कूड़ा घर में, आप इंसान कहाँ रखा है? गाड़ी मुश्किल में चार महीने में एक जगह आता है, और देखिए वो प्लांट में देखिए कूड़ा, ये प्लांट में देखिए कूड़ा, कहाँ जाएंगे हम लोग, गंदगी से ही मरेंगे। रोड बनाना किसका, नाली साफ करना किसका काम है? हो रहा है, मैं वही तो, नाली साफ करने नहीं ना, हो रहा है क्या? पूछा जा रहा है, वो सच बता रहे हैं ना हम तो। आप भाषणबाजी मत दो, सच बात बोलो। हम तो काम करेगा हम उसको वोट देंगे, जो नहीं करेगा तब तक गली का एक वोट नहीं जाएगा। ये मेरा चैलेंज है, अगर कोई वोट दे देना तो उसको मैं जूता मारूंगी। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मैं विकास नगर में मौजूद हूँ, ये विकास नगर का क्षेत्र है, और इस वक्त इस क्षेत्र में यहाँ के जो निगम पार्षद है रणधीर, वो यहाँ पर लोगों के बीच में मौजूद है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं क्षेत्र में काफ़ी समय से काम नहीं किया गया, और ये यहाँ की जनता है वो चाहती है इस क्षेत्र में काम किया जाए। बात करें नाले की या फिर सीवर की या फिर रोड की, तो किसी तरीके का भी विकास नगर में विकास नहीं किया गया। तो यहाँ के जो लोग हैं वो इस वक्त हमसे बात करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। इस क्षेत्र के जो विधायक हैं और निगम पार्षद जो है, जानते हो दोनों का? हाँ जानती हूँ मैं। अच्छा, इस क्षेत्र में काम हुआ है, विकास नगर में विकास हुआ है? नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, नाली तक नहीं साफ, कुछ नहीं, पूरी भरी है पानी, घर के लगा के बनाए हैं, कुछ नहीं होता यहाँ पे, सब ऐसे ही होता है, पानी घुस रहा है, कूड़े वाली गाड़ी नहीं आती, नाले में डालने जाते हैं बोरी में भर भर। आने के बाद में जब उनसे बोला भैया क्यों नहीं लाते, तो कहते हैं गली ऐसी है, तो गली का हमने थोड़ी ना बनाई है, हम भी तो गली में रह रहे हैं। अच्छा, आपके घर के थोड़ी सी दूर पे इतना नाला, इतना कचरा वो जमा हुआ है, इसकी सफाई होती है? नहीं होती है, नहीं होती, वैसे से बोला नहीं करेगा, हम डेली अपने हाथ से करते हैं, अपने हाथ से हम करते हैं, तब ये पानी निकलता है दरवाजे पे, इतना पानी निकलता है। मैडम नहीं होता। और क्या क्या काम जो है जो नहीं हुआ इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में ये है कि बोले थे सीवर डालने के बाद में एक साल के बाद रोड पड़ जाएगा और एक साल के बाद सीवर चालू हो जाएगा। हमने जी ठीक है जी, जब रोड पे इतना इतना पानी लगा तो अपना पैसा धर के उसको करने लगे, फिर उसको तोड़ गए हैं। कभी मतलब सीवर, कभी गड्ढा खोद दिया तो कभी उसका ढक्कन नहीं लगाया, ढक्कन लगाया तो कभी चिनाई नहीं हुई, चिनाई हुई तो कभी उसको पार ही नहीं किया। अब करके इसको डाल दिया, अभी इसको 3 साल हो गया करे हुआ, 3 साल के बाद अभी तक इसमें कोई भी मुसीबत। अच्छा, जो नाली साफ करने वाले कर्मचारी है जो साइड में नालियां हैं, वो नहीं आता, वो पल्लक खाने पे आएगा करके चला जाता है, यहाँ तक बुलाओ उसको तो कहेगा मेरे हमसे नहीं हो रहा, जाओ कर दो कम्प्लेंट, हमसे नहीं हो रहा है। हाथ जोड़ रहा है बाद में एकदम मोदी के पास आ दो, मोदी का हम अड्डा ही नहीं ढूंढ सकते, क्यों नहीं ढूंढ सकते भाई, ढूंढना चाहिए मोदी का अड्डा। अब का मोदी अपना भी मोदी बन गया, बनाया था हमने उसको मोदी, अपना आप बन गया मोदी, बन जाना आप अपना मोदी, कहीं तक वो काम अच्छा करता था। अब कम कोरोना में दुनिया मार दी, मार बार इंजेक्शन के बारे भोंक दिए, 10 रुपए सुधरे वहाँ तैयार नहीं, बूढ़े बूढ़े आदमी की पेंसिल कट गई और उल्टी, क्या करेंगे? गांव के खेत में लोगों को पैसा भेजना है, दिल्ली में क्या है? कुछ भी नहीं, 0 बैलेंस पे एक बार 500 रुपए दिखा दिया, उसके बाद क्या है? कुछ भी नहीं, हमारे पास तो आता ही नहीं, खाता ही नहीं है, हमारी कौन सी चीज की सुनाई हो रही है? मगर मेरे गली के 3 गली की मैं अकेली सपोर्ट हूँ, अगर कोई वोट दे देना तो उसको मैं जूता मारूंगी। पूरी नाली पूरी जाम पड़ी है, नाली जो है उसके लेबल तक ऊपर तक मट्टी भरी है, और आपको चल के कौन मेरे दिखा दूं, वो करता ही नहीं, वो कहता है जिसकी मर्जी उसको कंप्लेंट कर लो, मैं कुछ नहीं करूंगा। कौन कहता है ऐसा? इसका नाम है सुरेश, सुरेश नाम सिटी में, सुरेश हमारी गली का ड्यूटी करता है 16-17 नंबर का। सर ये बता रहे कि आपके जो कर्मचारी है सुरेश नाम बता रहे वो काम नहीं करते थे? ऐसा है कि कर्मचारी का जो अपना ये है, मैं मानता हूँ कि हाँ MCD में किस तरह से है, लेकिन कर्मचारी अपने हिसाब से काम करते, लेकिन होता क्या है कि आज यहाँ के जो हमारे पब्लिक है उनको ये पता नहीं है कि हाँ उसका दायरा क्या है। आज हमारे पास उस तरह की व्यवस्था नहीं है ना, अनऑथराइज कॉलोनी के लिए इस तरह की व्यवस्था दी गई है कि हाँ जितना हमें रिक्वायरमेंट चाहिए। आज गाड़ी कूड़े के अंदर आ रही है, लेकिन इस RWA को ये पता नहीं है कि हाँ रोड के ऊपर वहाँ पे रेता रखा हुआ, बालू रखा हुआ, पत्थर रखा हुआ, 15 फीट के गली में लोग अपना अपना गाड़ियां लगा लेते, और वार्ड से ज्यादा हमारे वार्ड के अंदर गाड़ियां चल रही है, गाड़ी आती है, गाड़ी मान लो 2-4 दिन खराब हो जाएगी तो गाड़ी नहीं आ पाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे खाली प्लाट है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। कूड़ा रोज 5 दिन का कूड़ा बंद रखा, गाड़ी खराब हो गई तो क्या करेंगे? हमारी इसमें क्या जिम्मेदारी, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है, खड़ी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हम क्या करेंगे? हम तो सरकारी आदमी से जिम्मेदारी होगी हमारी, क्योंकि जो पूछा जा रहा है वो सच बता रहे हैं ना हम तो। आप भाषणबाजी मत दो, सच बात बोलो। यहाँ जो निगम पार्षद आते हैं, नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते। एक बार आया था चुनाव से पहले, जब चुनाव हो रहे थे, और एक आज देख रहे हैं पहले नहीं आए, कोई नहीं, अच्छा सभी यहाँ बेकार है, कोई नहीं है, सब नाम की।
इधर ही ये लोग, ना ही विधायक आते हैं ना ही ये लोग आते हैं। विधायक कौन है आपका? महेंद्र यादव। महेंद्र यादव, महेंद्र यादव, महेंद्र यादव आते हैं? कभी नहीं आते, दर्शन नहीं देखे, वोट मांगने आए भी थे। हॉस्पिटल में देखने तक नहीं आए, पैसे वाले अपने घर के लिए बन के बैठ जाते, हमें कमा कर दे रहे हैं क्या? अपने आदमी की खाकर चुका। एक बार बताइए, ये लोग कह रहे हैं आप इस क्षेत्र में आए नहीं, एक बार बहन जी मैं तो ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। इस कॉलोनी के लोग ही बताएंगे कि पूरे कोरोना के अंदर ये लोग अपने घर के अंदर बंद रहे होंगे, लेकिन इनके दरवाजे पे मैं सैनिटाइज करा के मैं खुद गया हूँ यहाँ पे। सारी दुनिया बंद रही होगी मगर मैं अकेली लेडीज बंद नहीं रही हूँ। हाँ, इस बात को नहीं मानूंगी। एक साल का नहीं आया, साल का बच्चा, एक महीने। दूसरी चीज, एक मिनट इधर आप गाड़ी लेके आना। ये सारा काम मैं कर रहा हूँ, काउंसलर आए हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया हुआ है। विधायक ने कोई काम नहीं किया, और किसने किया? इन्होंने किया है। कौन? इन्होंने किया है काम? नहीं, नॉलेज है तो मत बोलो। हाँ ना, तुम्हें तो बहुत नॉलेज है, तुमको तो सारी नॉलेज है। हम तो यहाँ 17 साल रहे, हमें तो कोई नॉलेज ही नहीं है। विधायक का काम है रोड बनाना। हाँ तो फिर हमें तो नॉलेज नहीं, तो नॉलेज की जाएंगे कंप्यूटर में पढ़ाई करने के लिए? दोबारा नॉलेज नहीं है, सपोर्ट में जाकर खड़े हो जाते, सच बात पे खड़वा लगता है आपको, क्यों बोल रहे हैं आप? विधायक का काम है रोड बनाना। हम तो, मैंने पता किसका काम है, हम तो जो आए उसका क्यों, जिससे पूछ रहे वो कुछ काम से कुछ कह रहे हैं क्या? हम लड़ रहे हैं क्या? उसी से काम पूछ दे। 4 साल हो गए इसको कर दिया क्या? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो आज यहाँ पे मीडिया लाने का यहाँ पे कारण क्या है कि आप यहाँ पे, आप यहाँ पे देखें कि आप अपनी समस्या बताएं कि आप जो इस नरकीय जिंदगी जी रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? ये बहनें हैं, इनको पता है कि जो आया उसी के ऊपर लिपट जाओ। ये नहीं पता है कि यहाँ किसका काम क्या है। आज एक ये रोड बना, आज सीवर ये बन गया, इसी के ऊपर रोड बन जाता है ये मकान ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। यह विधायक जो है ना, उसको जैसे ये हो गया आज इसी के ऊपर आएगा, मसाला डाल देगा, 3 इंची या 4 इंची मसाला डाल के चला जाएगा, किसी गरीब आदमी के घर नीचे चला जाए उससे मतलब नहीं है। लेकिन कौन उठा देता है घर? विधायक देता है, एमपी देता है, काउंसिलर करता है, उठाता है क्या? जब ये कॉलोनी बनी तो किसी के बनाने से बनी है, लोग गरीब है तो अपने तरीके से बना रहा है, खा रहा है। रोड बनाना कोई नहीं, रोड बनाना किसका? नाली साफ करना किसका काम है? हो रहा है? मैं वही तो, नाली साफ करने नहीं ना, हो रहा है क्या? मैं खुद यहाँ पे खड़ा, मेरे को जवाब दीजिए ना, हो रहा है क्या? खुद यहाँ पे खड़ा होके काम कर रहा है। नाली आप देखिए, तो आपके सामने बीजेपी सरकार खड़ी है, वोट देंगे नहीं देंगे? नहीं देंगे जो हमारा अच्छा करेगा। जब ही तो वो अभी आए हैं, वरना कोई नहीं आता इस गलियों में। देख बूटा के ऐसी गली में तो चलना पड़ता है। वोट की बात करें तो 2022 में बीजेपी को लाओगे अपने क्षेत्र? देखो वो चीज अपनी जगह पे है, लेकिन नहीं लाएंगे, ऐसा काम नहीं हो रहा तो क्या करेंगे बीजेपी का? स्थिति आपके सामने आप देखेंगे तो नाली पूरी ज्यादा भरी हुई है, तो आप देख सकते हैं क्षेत्र की हालत। निगम पार्षद आज 4 साल बाद इस क्षेत्र में साफ सफाई करने आए हैं। जो यहाँ के विधायक हैं, उनके द्वारा तो दिख रहा है साफ तौर पर कि काम नहीं किया गया, लेकिन जो निगम पार्षद हर बार दावे करते हैं कि मैं क्षेत्र में जाता हूँ, क्षेत्र का जायजा लेता हूँ, क्षेत्र में काम करवाता हूँ, आप कूड़े की हालत देख सकते हैं, नालियों की हालत देख सकते हैं, नाली पूरी की पूरी ओवरफ्लो हो रखी है। और साथ ही आपको बताएं कि जो निगम पार्षद है, उनके जो कर्मचारी है, उनके द्वारा इस जितने भी लोग हैं उनको ये कहा गया था कि मीडिया आ रही है, उनके सामने ये कहना कि जो सफाई है वो होती है और जो कूड़े की गाड़ियां है वो आती है, ऐसा कहा था अभी? जी हाँ, अभी कूड़े वाले आए नाली वाले निकालने के लिए, तो कह रहे थे कि मीडिया वाले आ रहे हैं, तो उनके सामने यही कहना कि हफ्ते में 15 दिन। मैंने कहा मैं तो तेरे साथ में खड़ी होकर कहूंगी कि 3-3 महीने में आता है और कूड़ा निकाल कर जाता है, फिर नाली में द्वारा चला जाता है, फिर 3 महीने में ही आता है, एक दफे गाड़ी आई है बस कूड़े की। आप देख सकते हैं ये किस तरीके की राजनीति इस क्षेत्र में की जा रही है। पहले तो काम नहीं करवाया जाता और बाद में झूठे दावे दिखाकर कहा जाता है कि इस क्षेत्र में काम किया गया है। तो लगातार आप देख रहे हैं चुनावों को, ज्यादा समय बचा नहीं है, ऐसे में पार्टियां अपना जो गलतियां हैं उसको छुपाने के लिए जनता को गुमराह कर रही हैं कहीं ना कहीं, और जनता के सामने दूसरी पार्टी पर निशाना साध रही हैं। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि बीजेपी के द्वारा काम नहीं किया जा रहा, जो यहाँ के विधायक है वो निगम पर अपना इल्जाम डाल रहे हैं, और जो निगम है वो लगातार कह रही कि विधायकों के द्वारा जो क्षेत्र में काम करना चाहिए वो नहीं किया गया। तो ये है पूरी स्थिति इस क्षेत्र की। आपकी क्या राय है इस वीडियो पे, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्याज, छलको दिल्ली।